हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। सैलरी क्या होती है, इसमें कितने का मतलब क्या अच्छी सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं लगता है, और अगर सर्टिफिकेट लगता है तो हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या सीखना है, और आखिरकार ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, ग्राफिक डिजाइनर बनते कैसे हैं। तो इसी सबके बारे में आज की वीडियो होने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, तो जितने भी इलस्ट्रेशंस आप देखते हो, इलस्ट्रेशंस बोले तो कार्टून वगैरह जितने भी होते हैं, ऐसी इमेजेस जो कहना चाहिए हैंड ड्रॉन लगती है, पर हैंड ड्रॉन होती नहीं है, कंप्यूटर पर डिजाइन की जाती है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर मैं लिस्ट लगा दूंगी, ऐसी कुछ इमेजेस जो होती हैं वो सारे बंदे डिजाइन करते हैं, लोग डिजाइन करते हैं, और उनको ही ग्राफिक डिजाइनर में कहा जाता है। इनफैक्ट जो थंबनेल आप देख रहे थे वो भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, जो बैनर्स आप देखते हो वो भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, जितने पोस्टर्स होते हैं डिजाइन किए जाते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, किसी किसी एल्बम्स के कहना चाहिए पोस्टर जो होते हैं एनिमेटेड जो होते हैं थोड़े से, या फिर कुछ ऐसे कार्टूनिस्ट रहते हैं, या फिर कहना चाहिए इलस्ट्रेशन बने होते हैं, उसमें किसी कैरेक्टर को बनाया होता है इमेजिनेटिव तरीके से, तो वो सारा कुछ भी जो होता है ग्राफिक डिजाइनर करता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं सबके लोग ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, जितनी भी कंपनीज हैं सबके बिजनेस कार्ड ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, तो कुल मिला के ग्राफिक डिजाइनर काफी सारी चीज बनाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो आपको मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें देखने मिलेंगी, और वो सारी कुछ डिजाइनिंग जो होती है डिजाइनिंग से रिलेटेड काम होता है, जो ड्रॉइंग टाइप्स कहना चाहिए हमारी आसान शब्दों में हम बोल दें तो उस टाइप का काम जो होता है वो ग्राफिक डिजाइनर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुक में भी जो बच्चों की बुक्स होती हैं तो उसमें भी काफी सारे कैरेक्टर्स बने होते हैं, ठीक है, जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, बट वो सारे भी ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं। अभी सपोज करो मुझे एक टेडी बेयर बनवाना है जो कि एस्ट्रोनॉट वाला ड्रेस बनाऊं, ठीक है, तो वो कौन बना के देगा, तो ग्राफिक डिजाइनर बना के देगा, इलस्ट्रेटर कहना चाहिए वो बना के देगा, इलस्ट्रेट करके देगा मुझे, ठीक है, और वो उसको मुझे चाहिए कि वो मैं अर्थ के ऊपर बैठा हूँ, तो वो कौन बना के देगा, तो वो भी मैं ग्राफिक डिजाइनर बना के देगा। तो इस तरीके से जो कहना चाहिए कितनी क्रिएटिव हो सकती है कोई चीज, आपके दिमाग में कुछ हो और सामने वाला एकदम पढ़ के उसको और उतार के एक डिजाइन बनाकर आपको सेंड कर दे फाइल में, वो सारे काम जो होते हैं ग्राफिक डिजाइनर करता है। वो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यार ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको 4-5 टूल्स होते हैं बेसिक जो सीख लेना चाहिए, और अडोबी फैमिली के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, तो ये कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन। तो ये जो मैंने क्रम में बोला हुआ है कि सबसे पहले फोटोशॉप सीखना, उसके बाद इलस्ट्रेटर सीखना, उसके बाद इनडिजाइन सीखना, काफी सारे टूल्स जो होते हैं सेम होते हैं लेकिन यूज करने का तरीका अलग होता है। जितने भी इलस्ट्रेशंस होते हैं यानी कि ड्रॉइंग्स वगैरह होती हैं और छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें करनी होती हैं, लोगो वगैरह होते हैं, वो ज्यादातर इलस्ट्रेटर में डिजाइन किए जाते हैं। फोटोशॉप इज अ वेरी बेसिक टूल, वो आना ही चाहिए, तो उसको सीख लेना वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद इनडिजाइन जब हम थोड़ा वेबसाइट वगैरह में घुस जाते हैं ना तो उसका कैसे दिखेगा करके, तो वो सारा कुछ जो है हमारा इनडिजाइन में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कहाँ से सकते हो, तो यार पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। फ्री कोर्सेज तो फ्री हैं तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है, ढूंढने से भगवान मिलते हैं, ढूंढना पड़ेगा आपको तो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे जाके ढूंढो नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने सिखाया हुआ है, तो वहां से आपको मिल जाए। इसके अलावा पेड कोर्सेज भी फ्री मिल जाते हैं, मतलब समझदार लोगों को पता है तो ढूंढ लेंगे, वही मैंने बोला ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तो भाई वो पेड कोर्सेज होते हैं काफी अच्छे अच्छे कुछ तो मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब में वगैरह पे जाके अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप जाके खरीद भी सकते हो, नहीं है तो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे ढूंढोगे तो। इसके अलावा अगर बात की जाए जितने भी टूल्स मैंने बताए एडोबी वाले वो सारे भी पेड हैं मेरे दोस्तों तो वो भी आपको खरीदने पड़ेंगे, और फिर वही बात है कि भाई खरीद सकते हो नहीं तो फ्री में भी मिलते हैं, मतलब डाउनलोड हो जाते हैं, काम अच्छा खासा कर लेते हैं। तो कैसे होता है, काफी सारे यूट्यूब पे भी अगर डालोगे तो भी काफी वीडियोस बताई हुई हैं कि कैसे कर सकते हो, बाकी ठीक है आइडियली तो पेड करके यूज करना चाहिए, बट अब नहीं है तो फिर कर लो ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई आपको कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग के बारे में स्क्रेच से जानना तो एक और वीडियो बनाई रखी है, वो आई बटन में लिंक दे देंगे तो वो देख लेना। ठीक है, जितनी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स है जैसे कि फाइवर हो गई, फ्रीलांसर हो गई, अपवर्क हो गई, पीपल पर आर हो गई, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने एक और वीडियो बना रखा है तो उसको देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारी वेबसाइट बताई हुई हैं जहाँ पे कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, काफी तगड़े क्लाइंट्स हैं, काफी अच्छा अमाउंट पे करते हैं और आप वहाँ पे काम कर सकते हो। इसके अलावा एक स्पेशल मेंशन में देना चाहूंगी 99 डिजाइन को, जो कि डिजाइनर के लिए ही बनाई गई है, जितने भी डिजाइनर्स होते हैं आपके और मेरे जैसे तो उनके लिए बनाई गई है, तो वहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रेस्ट भी होते हैं और फ्रीलांसर्स भी हायर करे जाते हैं,
तो आपको हायर भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे करवा देते हैं कि भाई किसी कंपनी को अपना लोगो बनवाना है तो कॉम्पिटिशन करा देगी और फिर आप लोग सब पार्टिसिपेट करो, जितना जिसका अच्छा लगेगा उसको विनिंग अमाउंट दे दिया जाएगा कि भाई तुम विनर हो, ये लो तुम पैसे। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। फिर हमने बात कर ली होती क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके अलावा हमने बात कर ली कौन से टूल सीखने चाहिए आपको, इसके अलावा हमने बात कर ली आप कहाँ से सीख सकते हो, और इसके बाद कहाँ पर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट हमने वीडियो को कवर कर लिया है। इसके बाद अगर बात आती है तो सर्टिफिकेट्स की, तो यार ठीक भी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब सब काम चलेगा। ठीक है, तो लेकिन ये हो जाता है कि भाई सर्टिफिकेट जिस बंदे के पास रहता है वो थोड़ा ऐसे प्रोफेशनल सा लगता है, जिसके पास नहीं होता है तो उसका काम अगर प्रोफेशनल है तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल हो ही जाता है। तो मतलब ऐसे कोई मैं इन्फोर्स नहीं करूंगी कि भाई होना ही चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा, है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और ऐसे थोड़ा प्रायोरिटी का ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आपका काम बोलता है कि भाई अगर आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको हायर कर लेगा, और आपका कुछ भी काम नहीं है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट देख के थोड़ी ना हायर करेगा भी, थोड़ा बहुत आपको पोर्टफोलियो दिखाना ही पड़ेगा ना कि आपने कैसा काम किया हुआ है क्या है। और इसके अलावा एक मैं टिप देना चाहूंगी जो कि ये है कि आप लोगों को ना किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जब आप टूल सीख लेते हो, ऑब्वियसली टाइम लगेगा 3-4 महीने का, सीखने के बाद प्रैक्टिस जब करते हो तो कम से कम 200-300 डिजाइन बनाओगे, तो सारी की सारी किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एक पेज खोल लो, नहीं तो फेसबुक पे एक पेज बना दो, और वहां पे अपने काम जो है जितने भी अपलोड करते जाना सारे। ठीक है, एक कम्युनिटी भी बिल्डअप हो जाएगी और थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी मिलेगा अपने काम को। ठीक है, एक ही दिन में सारी मत डाल देना, एक 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 दिन डालते रहना। ठीक है, अब बात आती है कि यार इसको करियर के रूप में हम हमेशा के लिए भविष्य में हम ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो क्या हम बन सकते हैं, तो यार बन सकते हो, काफी सारे लोग बने हुए हैं, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी से सारा काम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और बस ग्राफिक डिजाइनिंग बनना है तो बस उसी के पीछे लग जाओ, यार ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें ऐसी है ना कि आप करते जाओ समय के साथ साथ आपको मतलब एक टाइम पे आपको खुद को फील होगा कि भाई इसमें फ्यूचर आपका है कि नहीं है, तो वो सबके लिए आता है, मौका पड़ता है कि भाई आपको लगता है दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ती है, बट वो अभी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो, और ऑब्वियसली स्टूडेंट ही हो, मेरे वीडियो देख रहे हो तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं सारे, तो यार अभी नहीं, अभी पढ़ाई वढ़ाई करो, इसको एज अ पार्ट टाइम चलने दो। ठीक है, फिर जब बहुत मौका पड़ेगा कभी तो फिर इसको एज अ करियर भी यूज कर सकते हो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस, आपको करना हो बाकी करोगे तो अपनी मन की जिसको जो करना हो। ठीक है, तो आप ना अपना कर सकते हो, ये मेरी एडवाइस थी कि यार इसको पार्ट टाइम चलने दो और बाकी हम जो चीज कर रहे हैं उस पर भी फोकस करो, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहो, सब खुश रहेंगे। ठीक है, ऐसे एकदम से बोल दो कि उनको भी धक्का लग जाएगा अभी भाई बच्चे को क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या पागलपन कर रहे हो। ठीक है, तो अभी इतना ज्यादा स्कोप मतलब इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे इतना वो भी नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट, तो मैं देख लूंगी, और जिसका भी कमेंट मतलब इकट्ठे सारे डाउट्स अगर हों तो सारे इकट्ठे लिख देना, तो मैं सबका इकट्ठा कमेंट का आंसर कर दूंगी, उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक देख रहे हो तो ड्रॉप अ येलो स्टार या येलो हार्ट, जो भी है कुछ भी ड्रॉप कर दो, दोनों में से एक। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले जाने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।